रोजगार की तलाश में बेरोजगार बनते युवा, इस बार सीटेट का पेपर लिख हुआ, गाजीपुर के मास्टरमाइंड ने रचा था कारनामा, अब पुलिस करेगी पूरे केस का पंचनामा। खुलासा हुआ, बात पहुंची आगरा से भदोही और भदोही से गाजीपुर, मास्टरमाइंड अभी भी है पुलिस की पहुंच से दूर। सीटेट के पेपर लीक की पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें मिलती रहें। पूरी खबर ब्रेक के बाद। सिरमाल रोटी, धनिया रोटी, बटर नान के साथ अब तंदूर में बना हुआ लाजवाब भौरी ताज रोटी कॉर्नर, एमएच इंटर कॉलेज के सामने गाजीपुर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी सीटीईटी, जिसको आम भाषा में सीटेट भी कहा जाता है, सीटेट की परीक्षा हुई पिछले दिनों और परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। ये मामला आगरा से उठा और लिंक पहुंचा गाजीपुर तक। इस मामले में जिस मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है वो उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर का ही रहने वाला है। एक समाचार पत्र के अनुसार गाजीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोपीनाथ सोनी के निर्देशन में इस केस की जांच की जा रही है और इधर आगरा पुलिस और एसटीएफ भी उक्त व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। पिछले रविवार को सीटीईटी यानी सीटेट की परीक्षा थी। जानकारी के अनुसार परीक्षा शुरू होने से पहले ही यानी करीब 7:26 पर सीटेट का पेपर लीक हो गया। इसे व्हाट्सएप पर भेजा गया और देखते ही देखते ये कई ग्रुपों में प्रसारित हो गया। इस मामले में आगरा पुलिस ने विकास यादव को गिरफ्तार किया। विकास यादव ने पूछताछ में बताया कि उसे ये पेपर भदोही निवासी अमर शाहनी ने भेजा था। आगरा पुलिस भदोही पहुंची और उन्होंने अमर शाहनी को भी वहां से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अमर शाहनी ने बताया कि उसे ये पेपर गाजीपुर के एक युवक ने भेजा है। पुलिस उस युवक की तलाश में है। पुलिस के अनुसार उस युवक की तलाशी के लिए क्राइम ब्रांच और संबंधित थानों की पुलिस लगा दी गई है। इस मामले में गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का बयान भी समाचार पत्र में छपा। उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि आगरा में लीक हुए सीटीईटी के पेपर के मामले में जिले के युवक की संलिप्तता की सूचना मिली है। इस आधार पर जिले की पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल करने के साथ ही उसकी तलाश कर रही है। इस तरह से जो पेपर लीक होने के मामले सामने आ रहे हैं उससे रोजगार पर एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। जी हाँ, अगर इस तरह से किसी कंपटीशन का पेपर लीक होगा तो जो युवा बेरोजगार बैठे हैं, जो इस तलाश में हैं, जो इस उम्मीद में हैं कि वो इस तरह की परीक्षाएं देंगे और फिर आगे जाकर इन परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, तो उनके उन सपनों पर कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। उनके दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। आजकल सवाल उठाने वालों को देशभक्ति की परिभाषा समझाई जाती है। उन्हें समझना होगा कि सबसे बड़ा सवाल तो उनसे करना चाहिए जो इस तरह का अपराध करते हैं। ऐसे अपराध को रोकने के लिए वो लोग क्या करेंगे जो देशभक्ति की परिभाषा समझाते हैं। खैर, आप सतर्क रहिए और जागरूक बनिए। देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।